झारखंड में मंगलवार तड़के मुंबई हावड़ा मेल के 18 डब्बे पटरी से उतर जाने से 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सुबह करीब 3:45 पर चक्रधरपुर के पास बड़ा बंबू गांव में हुआ। ट्रेन के पटरी से उतरने की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और बचाव दल घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। बता दें कि ममता बनर्जी ने हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, एक और विनाशकारी रेल दुर्घटना। हावड़ा मुंबई मेल आज सुबह झारखंड के चक्रधरपुर मंडल में पटरी से उतर गई, जिसके दुग्ध परिणाम कई लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में घायल भी हुए हैं। मैं गंभीरता से पूछती हूँ, क्या यही शासन व्यवस्था है? लगभग हर हफ्ते दूस्वनों का यह सिलसिला, रेल पटरियों पर मौतों और चोटों का यह अंतहीन सिलसिला, कब तक हम इसे सहन करेंगे? क्या भारत सरकार की संवेदनहीनता का कोई अंत नहीं होगा? मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं, परिजनों के प्रति संवेदनाएं। दक्षिण पूर्वी रेलवे यानी कि SCR के प्रवक्ता ओम प्रकाश चरण ने समाचार एजेंसी दक्षिण पूर्वी रेलवे यानी कि SCR के प्रवक्ता ओम प्रकाश चरण ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि पास में एक मालगाड़ी के पटरी से उतरने की एक और घटना हुई थी, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों दुर्घटनाएं एक साथ हुई या नहीं। उन्होंने कहा कि नागपुर के रास्ते 22 कोच वाली 1280 हावड़ा मुंबई मेल में कम से कम 18 डिब्बे सुबह 3:45 पर SCR के चक्रधरपुर डिवीजन में 12 बंबू स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। उन्होंने बताया कि इनमें से 16 यात्री डिब्बे और एक पावर कार और साथ ही एक पेंट्री कार थी। SIR के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दुर्घटना में 6 यात्री घायल हो गए हैं और उन्हें 12 बंबू में चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए चक्रधरपुर ले जाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रेन के पटरी से उतरने के कारण का भी पता नहीं लग पाया है।